जी हाँ, भावे बिश्नोई ने औपचारिक रूप से विधायक पद की शपथ ले ली है। पहली बड़ी अपडेट यही है, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। सबसे कम उम्र के विधायक भावे बिश्नोई बने हैं, महज 29 साल उनकी उम्र है। भावे के साथ उनके पिता कुलदीप बिश्नोई भी मौजूद रहे, उनकी माँ रेणुका बिश्नोई भी वहाँ मौजूद थी। विधायक पद की शपथ लेने के बाद भावे बिश्नोई ने अपनी बात भी मीडिया के माध्यम से लोगों तक रखी। आदमपुर की जनता का धन्यवाद भावे बिश्नोई ने जताया। आदमपुर के विकास के लिए मैं काम करूंगा, ये भावे बिश्नोई ने बात कही और कहा कि मुझे अपना समय याद आ गया। तो बड़ी अपडेट, हरियाणा विधानसभा को उसका नया विधायक जो कि सबसे कम उम्र का विधायक है वो मिला। भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के खाते में एक सीट की अब और बढ़ोतरी हुई और सबसे कम उम्र के विधायक भावे बिश्नोई वो बने। आज उन्होंने चंडीगढ़ विधानसभा में पद और गोपनीयता की शपथ ली, क्योंकि सेशंस नहीं चल रहे थे, कोई सत्र नहीं चल रहा था, इसीलिए एक सामान्य से कार्यक्रम में ही उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। लेकिन पूरे विधि विधान के साथ जिस तरह से शपथ ग्रहण समारोह होता है, किसी भी बाय इलेक्शन में जीतकर आए विधायक का, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उसके बाद उन्होंने औपचारिक हस्ताक्षर किए और वो अब विधिवत औपचारिक तौर पर हरियाणा विधानसभा के सदस्य बने। जो मैंने आदमपुर के विधायक के रूप में शपथ ग्रहण की है, इससे ज्यादा खुशी और गौरव की बात मेरे नहीं हो सकती। मैं धन्यवादी हूँ हरियाणा सरकार के स्पीकर श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी का, मैं धन्यवादी हूँ हरियाणा सरकार के डिप्टी स्पीकर श्री रणवीर गंगवा जी का, जिन्होंने जिनकी उपस्थिति में आशीर्वाद से आज मैंने शपथ ग्रहण की। मैं धन्यवादी हूँ आदमपुर की जनता का, जिन्होंने स्वर्गीय चौधरी भजना जी के काम को आशीर्वाद दिया, चौधरी कुलदीप जी के संघर्ष इनके काम को आशीर्वाद दिया, मनोहरला जी को आशीर्वाद दिया, मोदी जी के नेतृत्व को आशीर्वाद दिया। और आप सभी के माध्यम से मैं आदमपुर की मेरे परिवार को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनके हर एक अपेक्षा और उम्मीद पर घर उतरने का भरपूर प्रयास करूँगा। मेरे लिए बहुत फख्र की बात है, फादर होने के नाते भी और एक राजनेता होने के नाते भी, कि हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे शिक्षित लड़का आज विधायक बना है और सबसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो सबसे मजबूत सशक्त दुनिया की पार्टी है उसके उसमें अपनी आहुति दे रहा है, तो मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वही टेबल है, ये वही जगह है, ये वही मैं हूँ, ये वही आपको जब इस्तीफा देने में आया था और तब भी मैंने चैलेंज किया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, और आज फिर मैं वही कहता हूँ कि ये दूसरी मात मैंने उनको दी है, पहली राज्यसभा के चुनाव में दी थी, फ्री हैंड मिलते दूसरी मात ये दी है और आगे राज्यसभा लोकसभा का चुनाव आएगा उसमें ध्वस्त करेंगे और फिर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का थोड़ा